टॉपिक है लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ थिन लेंस। हम हिंदी में क्या होगा, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अगर लेंस रखा हो चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब उसका नेचर कैसा होगा, वो छोटा बड़े बनेगा इमेज की, बड़ा बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है और कैसे रखा है। तो इमेज का पोजीशन उस पर डिपेंड करता है, नेचर उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले केस में देखिए, इस वाले फिगर में, डायग्राम में, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, मतलब अनंत पे रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका अनंत पे रखा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो इसका इमेज बनेगा वो ठीक फोकस पॉइंट पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये हो गया। अगला जो डायग्राम है आप देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग फर्स्ट फोकस, मतलब जो फोकल लेंथ है और उतनी फोकल लेंथ एक और दो सेकंड फोकल लेंथ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो दूसरी तरफ ठीक सेकंड फोकल पर ही क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। और जो हाइट ऑब्जेक्ट की होगी वही हाइट इमेज की भी होगी, लेकिन इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फोकल लेंथ के इस तरफ रखते हैं, फोकल लेंथ से दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज हमेशा उल्टी बनती है। और अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो छोटा बनेगा, और अगर ठीक सेकंड फोकल पर रखा है, फोकस पॉइंट पे रखा है, तो इमेज भी सेकंड फोकस पॉइंट पे बनेगा और जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ का इमेज बनेगा। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा होता है और इमेज का साइज़ छोटा होता है। थर्ड, अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकल पॉइंट के पीछे की तरफ फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, और इमेज जो बनता है वो उल्टा ना बन करके कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखा है और इमेज भी कैसे बन रहा है, ठीक ऊपर की तरफ ऐसे बन रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर फोकस के आप और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो इसमें जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, जबकि फोकस के इस तरफ रखने पर और सारे केसेस में जो इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस का वो उल्टा बनता है और छोटा बनता है। लेकिन इसमें कैसा बन रहा है कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है। और अगर हमारा कॉनकेव लेंस हुआ, अवतल लेंस हुआ, तब इसका इमेज कैसा बनेगा, तब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बन रहा है वो आई आई डैश बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है। फोकस के इस तरफ कहीं पे भी आप रखिए ऑब्जेक्ट को तो जो इसमें इमेज बनती है वो हमेशा सीधी बनती है। तो कॉनकेव लेंस में जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा हमारा सीधे होता है और ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो बनता है वो छोटा होता है। ये हो गया हमारा टॉपिक। अगला है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। देखिए आवर्धन, देखिए आवर्धन क्या होता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है उसी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, एक मतलब ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है ओ डैश, एक ऑप्टिकल सेंटर से रह गई वो बिना कहीं से मोड़े सीधे चली जाएगी, और एक प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही जो फोकस से होके जाएगी, तो ये इसका इमेज बन गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दो दो ट्रायंगल हैं ओ ओ डैश और सी और सी आई आई डैश, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दोनों एक जैसे ट्रायंगल हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको यू रखते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वी रखते हैं, और जो भी चीज़ें इस तरफ होती हैं उसकी निगेटिव वैल्यू होती है और जो भी चीज़ें इस तरफ होती हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ओ की वैल्यू माइनस यू ली गई है और सी आई की वैल्यू क्या ली गई है, प्लस वी ली गई है। अब ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, तो इमेज की हाइट हम, और मैंने पहले बताया कि वाई एक्सिस में अगर कोई चीज़ नीचे लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं और जो ऊपर लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि
कि माइनस वाई टू, वाई टू क्या है इमेज की हाइट है, वाई वन क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये निगेटिव ली गई, ये पॉजिटिव ली गई, वी की वैल्यू पॉजिटिव ली गई क्योंकि वो इधर की तरफ पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ ली जाए वो पॉजिटिव होती है और माइनस एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ें ली जाती हैं वो निगेटिव होती हैं, तो यू की वैल्यू को निगेटिव लिया गया। तो और लीनियर मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम की दो वैल्यू आती है, एक एम इज इक्वल टू वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में हो गया और ये हमारा कॉनकेव लेंस के केस में हो गया। इसमें सारी की सारी वैल्यू क्या ली जाती है, निगेटिव ली जाती हैं क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो भी हम लोग चीज़ें एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं दोनों ही माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, तो इसलिए यू और वी की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी और जो हाइट है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है तो ये निगेटिव से निगेटिव साइन कट जाएगा। इसमें भी सेम वही फार्मूला आएगा जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आया है, वही कॉनकेव लेंस के लिए भी लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला सेम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, की लेंस की क्षमता। तो जो पावर ऑफ लेंस होता है उसको पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और पी इज इक्वल टू फार्मूला होता है वन अपॉन एफ, मतलब जो भी फोकल लेंथ होता है लेंस का उसके रेसिप्रोकल को ही उसका पावर बोला जाता है। और तो पी इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाता है वन अपॉन एफ। अगर तो यहाँ से एक रिलेशन साफ निकल के आ रहा है, जिसका जिस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा और जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है।